हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं आप दोनों की करंट एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। रीडिंग फ्रेंड्स मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस है, टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, जब भी चाहें तभी देख सकते हैं। जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना करें, पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करें या कुछ भी ना करें। तो रीडिंग फ्रेंड्स जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, सभी लोगों के लिए है, सभी जेंडर, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जोन से जोडियक साइंस यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट होंगे, जोन से नंबर और जोन सी डेट्स यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट होंगी वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, स्कैमर से बी अवेयर रहिए। बिकॉज अगर आप लोग कमेंट करते हैं और आपके कमेंट के नीचे कोई रिप्लाई करता है आई एम हाई प्रिस्टेस एंड इट्स माई कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं किसी भी कमेंट के नीचे कभी भी अपना व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल या कुछ भी कभी भी रिप्लाई नहीं करती हूँ। मेरा नंबर ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाएं चेक करें अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी भी स्कैमर्स के लिए स्कैमर्स के जाल में आप फंस जाएँ और अपना टाइम और अपने पैसे वेस्ट कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बस पॉजिटिव रहना है, अपने कनेक्शन के बारे में सोचना है जब मैं शफल कर रही हूँ, और डिवाइन से प्रे करनी है कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, एडवाइस और कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन ज़रूर मिले। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं प्रेजेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की क्या हैं, उनके पर्सन की क्या हैं। ओ माई गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। तो डिवाइन आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है, और आपके लिए कार्ड्स वो खुद ही नीचे फ्लिप करके बता रही है। ओ माय गुडनेस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, किसी की नज़र ना लग जाए ऐसी एनर्जी को, मैं बस यही कहना चाहूँगी। यहाँ पर आपकी एनर्जी की बात करें तो मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप में से ना बहुत सारे लोग इस टाइम ना काफ़ी पॉजिटिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, एंड जो भी थिंग्स आपके लिए वर्क कर रही हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं। इस टाइम आप लोग मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर, अपने अबंडेंस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, ग्रोथ पर, एंड अपनी लाइफ पर, और अपनी लाइफ में सभी थिंग्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए ऑफर्स के लिए खुद को रेडी कर लिया है। अगर अब जो भी आपके पास कुछ अच्छा सा आएगा आप उसको 110% एक्सेप्ट करोगे। आपने मन ही मन में ठान ली है कि अब आपको किसी पर्सन पर, किसी सिचुएशन पर या फिर किसी भी थिंग पर स्टक नहीं रहना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की लाइफ पर फोकस करना है, और जो भी थिंग, जो भी कनेक्शन आपकी तरफ ब्यूटीफुल वे से आना चाहता है उसको आपको अपनी लाइफ में आने देना है। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं जिनके लिए आप ये रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि वो भी इस टाइम बहुत पॉजिटिव हैं, रीयूनियन और परमानेंट रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। इस टाइम उनकी फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी अवेकेंट हैं, इमोशनली आपके साथ हैं, आपके साथ उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हैं, हार्ट चक्रा उनका खुल चुका है। अगर आप किसी बच्चे को लेकर सेपरेटेड हैं या उनके पास कोई चाइल्ड है तो बाय हार्ट वो आपके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन परमानेंटली करना चाहते हैं। एंड अगर सबके लिए ये रीडिंग चेक करूँ तो इस टाइम आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, अबंडेंट हैं, लाइफ में काफ़ी वेल सेटल्ड हैं, और फाइनली सोच रहे हैं कि आपके साथ परमानेंट रीयूनियन किया जाए या फिर जल्द से जल्द आपके साथ वेडिंग की जाए। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप में से कई लोग इस कनेक्शन की, खुद की, अपने पर्सन की हीलिंग करा रहे हो, और हीलिंग इतने अच्छे से वर्क कर रही है, आप तो देख ही सकते हो कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं। तो आपके पर्सन क्वाइट हील्ड हैं और सन की तरह शाइन कर रहे हैं, और आप भी काफ़ी
पॉजिटिव हैं और आपके अंदर से जो को डिपेंडेंसी थी इस कनेक्शन को लेकर वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। सो आप दोनों ही काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो और आप में से कई लोग हाल फिलहाल में रिकन्सिलेशन या रीयूनियन में आए भी हैं। और अगर नहीं भी आए हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी रीयूनियन और रिकन्सिलेशन में आ जाएंगे, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक कोडिपेंडेंसी नहीं है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए एंड आप बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो और बिल्कुल भी कोडिपेंडेंट नहीं हो। तो ऐसे में आप लोग बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस अट्रैक्ट कर रहे हो परमानेंट रीयूनियन को, क्योंकि आप एक नेगेटिव साइकिल को ब्रेक कर रहे हो जो था कोडिपेंडेंसी का, उनको फॉलो करने का, उनको चेस करने का, उनके बारे में डे एंड नाइट सोचने का। अगर आप लोग ऐसी एनर्जी से रियल में डील कर रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें तो 119, 28, 10, 422, 13, 31, 312, 21, 30, ये नंबर, ये डेट्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए या आप दोनों के कनेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। अगर मैं जोडियक्स की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। और मैं स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कुछ लोगों के ऊपर इस टाइम शुक्र की काफ़ी ब्लेसिंग चल रही है। वीनस काफ़ी स्ट्रांग है आपका, काफ़ी अबंडेंट और हैप्पी लाइफ आप लोग इन्जॉय कर रहे हो, साथ ही में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही बेहतरीन हैं, आज की एनर्जी आप दोनों की बहुत ही बेटर है, बल्कि काफ़ी बेस्ट है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आगे इस कनेक्शन में क्या होगा, आगे इस कनेक्शन में क्या होगा, कब होगा एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। और फ्रेंड्स फाइनली लास्ट में हम चेक करेंगे आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में। तो हम चेक कर रहे हैं आगे इस कनेक्शन में क्या होगा, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, म्यूचुअली आप दोनों क्या चाह रहे हो, म्यूचुअली आप दोनों ही इस कनेक्शन में सक्सेस चाह रहे हो, हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव करके इस कनेक्शन में अबंडेंस चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, विक्ट्री चाह रहे हो। और अब मैं चेक करती हूँ कि फाइनली इस कनेक्शन में क्या होगा नेक्स्ट, मतलब इमीडिएट फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स और सेकेंड। ओ माई गुडनेस, जो भी आप हीलिंग करा रहे हो, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, 110% वो पूरी होने वाली हैं। तो रेडी रहिए डिवाइन का, सॉरी फ्रेंड्स एकदम से बाहर से नॉइज़ आ गया था, तो आप बस रेडी रहिए डिवाइन का लख लख शुक्र अदा करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में भी थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग इतनी अच्छी है, कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, डिवाइन का लख लख शुक्राना करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें थैंक यू यूनिवर्स, वी आर सो ब्लेस्ड। एंड अगर किसी का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हाल फिलहाल में हुआ है तो वो भी ज़रूर मेंशन करें, सो दैट आपके मैसेज से बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशन मिल सकता है। अब हम फाइनली चेक कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय। आप लोगों के लिए गाइडेंस की बात करें तो एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपको। अगेन अगर ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल वे से आपकी तरफ आता भी है, जिसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको अगेन चीज़ों में स्टक नहीं होना, ओपन रहना है, पॉजिटिव रहना है। ऐसा ना हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्टेप बढ़ाएं और आप अगेन उसी चीज़ों में उलझ जाएं, दोबारा से पुराने साइकिल्स को, स्पेसिफिकली नेगेटिव साइकिल्स को रिक्रिएट कर दें, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थिंग्स में अगेन स्टक नहीं होना, जिस तरीके से जिंदा दिल होकर ओपन माइंड के साथ आप इस टाइम जिंदगी जी रहे हो, सेल्फ लव और सेल्फ केयर के साथ आपको आगे भी वैसी जीनी है। ऐसा ना हो कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करें और आप अगेन उनके लिए वही कोडिपेंडेंसी जनरेट कर लो अपने अंदर जो कि अभी तक थी और जिससे आप बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए हो। तो डिवाइन की आपको यही एडवाइस है। अब फाइनली चेक कर रहे हैं येस और नो, आप अपने मन में इस कनेक्शन को लेकर कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए एंड वी आर गोइंग टू टेल यू कि वो होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा, और नहीं होगा तो क्या एडवाइस है। डेफिनेटली होगा,
डेफिनेटली होगा, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा विद इन नेक्स्ट 10 to 11 days और 10 to 11 weeks। थिंग्स आपके हक में होंगी, आपके फेवर में होंगी और फाइनली आपको जस्टिस, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बस आपको किसी भी चीज़ के लिए पॉजेसिव नहीं होना और कहीं पर भी आपको दोबारा से स्टक नहीं होना। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।